आज के दौर में घर के अंदर ऐसी चीजें मौजूद होती हैं। टेलीविजन भी अब बहुत पीछे रह गया है, मूवीज भी पीछे रह गई हैं। इंटरनेट के फितने से जो कुछ सामने आ रहा है और जिस तरह पोर्नोग्राफी और फहाशी और बेहयाई और हर किस्म की तस्वीरों से और हर किस्म की उड़िया चीजों से हमारी यंग नस्ल को एक्सपोज किया गया है, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। और खुसूसन उस वक्त जब बच्चियों की शादी नहीं होती है, शादी में ताखीर हो जाती है और जवानी की उम्र ढलने लगती है, तो उनके लिए आजमाइश और भी बढ़ जाती है। हम जब कुछ देखते हैं गलत, चाहे वो टेलीविजन पे हो या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या फेसबुक पे या कहीं पर भी किसी भी बुरी वेबसाइट पे, अम्मा अब्बा सो रहे हैं, बहन भाई भी सो रहे हैं, अकेले हैं, हमारे मोबाइल पे है सब कुछ हम देख रहे हैं, कौन देखता है उस वक्त, हमें कौन देख रहा है उस वक्त? अल्लाह ताला। अगर हया होगा, ईमान होगा, तो फौरन इंसान डर जाएगा, इंसान सोचेगा हे अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि इसने अपने दिल को कैसा कबाड़खाना बना रखा है, इसकी निगाहें क्या देख रही हैं, म्यूजिक सुनते वक्त क्या ख्याल आएगा, किसी को नहीं पता हम क्या सुन रहे हैं। हो सकता है अम्मा को धोखा दे रहे हो कि हम तिलावत सुन रहे हैं, लेकिन एक बटन बदलने की देर होती है ना उसी गैजेट से, इधर से उधर, ऊपर से नीचे, किसी और चीज पर क्लिक कर दे, किसी को नहीं पता, कोई नहीं देखता। और अब तो इतने छोटे छोटे वो कानों में डालने वाले होते हैं कि हम लोगों के बीच में बैठ के भी छुपा के सब कुछ सुन सकते हैं, कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जानता, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन जानता है, कौन है अस्समीउल आलिम, कौन? अल्लाह। तो जब तक उससे हया ना करेंगे, जब तक उससे नहीं डरेंगे, जब तक उससे नहीं शर्माएंगे कि वो क्या कहेगा कि ये लड़की क्या कर रही है, अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे तो उसके सामने जाके खड़े होना है, उसने मेरा हिसाब लेना है, उसने मुझसे पूछना है, मैं भला किसी नॉन महरम से छुप के कहां से बातें कर सकती हूँ, मैं गंदी गंदी बातें नहीं कर सकती, मैं अपनी जबान से ऐसी कोई बात नहीं निकाल सकती, मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर सकती, क्यों? इसलिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। सिर्फ लिबास और सिर्फ एक खास स्टाइल बना लेने से भी बात नहीं बनती जब तक दिल के अंदर हया नहीं। ये तो हया के तकाजे पूरे करने के लिए एक आउटर गारमेंट है, लेकिन असल चीज फिर क्या है कि दिल के अंदर हया हो, आंखों में हया हो। क्योंकि जब तक अंदर हया नहीं, दिल के अंदर अल्लाह का डर नहीं होगा, तकवा नहीं होगा, तो आपने देखा होगा कि बाज़ुकात औरतें पूरी की पूरी ढकी होती है, इसके बावजूद गलत काम कर रही होती है और वो दूसरों के नोटिस में भी आ रहा होता है, बुरका पहन के हिजाब के अंदर भी वो मर्दों से इस तरह चहक चहक के बातें करती है कि जिससे मना किया गया है। तो जरूरत इस बात की है कि हम ईमान के तकाजों को पूरा करें। ईमान की 70 से ऊपर कुछ शाखें हैं, जिनमें से एक शाख हया है। हदीस के मुताबिक हया जब दिल से निकल जाता है तो ईमान भी चला जाता है। हया और ईमान लाजिम और मलजूम है, साथ साथ है। अगर हया है तो ईमान है, ईमान है तो हया भी होगा, लेकिन अगर हया रुखसत हो गया तो ईमान भी रुखसत हो गया। और हया सारे नेक अमाल की बुनियाद में है, क्योंकि जब इंसान के अंदर हया नहीं रहता, इदा लम तस्तहि फस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर हया नहीं तो फिर जो चाहो करो। तो हया इंसान को खूबसूरत बनाता है, हया इंसान को नेकी पर उकसाता है, हया इंसान को बुरी आदत, बुरे अखलाक, बुरे मामलात और बुरे कामों से रोकता है। वो एक नफसी हालत है, यानी इंसान के अंदर की एक ऐसी कैफियत है, वो अंदर का एक ऐसा एहसास है कि जो इंसान को मजबूर करता है कि वो अपनी जबान, अपने हाथ, अपनी निगाहों, अपने कानों, अपने कदमों से कोई गलत काम ना करे, रोक लेता, खींच लेता। यानी हया बुराइयों, बुरे अखलाक और बुरे किरदार के लिए एक रुकावट बन जाता है, एक आड़ बन जाता है, और इस तरह इंसान को खूबसूरती देता है। हया का लफ्ज भी आप देखिए तो हयात से है, हयात कहते हैं जिंदगी को। तो ये किसकी जिंदगी है? हयातुल कल्ब है, दिल की जिंदगी है। क्योंकि अगर हया खत्म हो जाए, मर जाए, निकल जाए, तो फिर इंसान का दिल बेहिस हो जाता है, फिर इंसान हर तरह की बुराइयां करने लगता है और वो बुराइयां उसके दिल को सख्त कर देती हैं, फिर इंसान गुनाह करता है और उसको एहसास भी नहीं रहता। आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने एक बड़ी उम्र में जाकर अपने आप को ढांकना शुरू किया, हिजाब वगैरह किया, तो अगर वो अपना पास देखे तो बहुत से लोगों ने अपना तजुर्बा मुझे ये बताया है कि उनका कहना ये है कि हमें तो कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि हम गलत कर रहे हैं,
हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में हया रखी है। छोटे से बच्चों को भी आप देखें कि अगर उनके निकर जरा नीचे रखे तो खींचने लगते हैं। बाद बच्चे सोते हुए भी अपने कपड़े ठीक कर रहे होते हैं, शर्म आती है उनको। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कि किस तरह वो लोगों के आगे आने से शर्माते हैं, अपना मुंह ढांक लेते हैं, अपने वो अपने माँ के गोदी में छुपाने लगते हैं। आप किसी छोटे से भी बच्चे को जिसको भी बोलना भी नहीं आता, आप उसको कहीं बरा मैं उठाऊं तुम्हें, तो एकदम क्या करता है, शर्मा के अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो आपको अजनबी महसूस करता है, तो आपसे हया करता है। तो ये इंसान के अंदर अल्लाह ने फितरी तौर पर ये चीज रखी है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी फितरत के ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं। किस चीज के? माहौल के, असरात के, और माशरे के मुख्तलिफ जो रस्म और रवाज और कल्चर होता है, एक के बाद एक लेयर आने लगती है। हदीस में आता ना कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन क्या होता है, अबवाहु युहब्बिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके माँ बाप उसको या यहूदी बना देते हैं, या ईसाई बना देते हैं, या मजूसी बना देते हैं, और जिनके माँ बाप मुसलमान भी उनको बनाते हैं, तो बाजू का कल्चर आबाओ अजदाद की पैरवी और तकलीद और रस्म और रवाज की वजह से वही बना देते हैं जो उनका माहौल होता है। तो फिर वो जो असल अल्लाह ने हया रखी या ईमान रखा इंसान के अंदर, दीन की ख्वाहिश रखी या अपनी एक पहचान रखी, वो सारी पर्दे में चली जाती है, वो छुप जाती है, फिर इंसान बेहिस हो जाता है, उसको एहसास भी नहीं रहता कि वो गलत काम कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि जब तुम हया ना करो फिर जो जी चाहे करो, क्योंकि इंसान फिर निडर सा हो जाता है और बेपरवाह हो जाता है। इसलिए हम सबको इस चीज की कोशिश भी करनी है, दुआ भी करनी है, और शौरी तौर पर इस कैफियत को अपने अंदर लाना है। तो हया जो है ऐसे काम करवाता है इंसान से जिस पर उसकी पकड़ नहीं होती या जिससे वो ऐबदार नहीं होता। दूसरे लफ्जों में हया इंसान को ऐबदार होने से बचाता है। अब ये जो ऐब होता है, बुराई जो होती है, बदअखलाकी जो होती है, ये इंसान को क्या बना देती, इंसान की वैल्यू घटा देती। जिसके अंदर हया होता है वो उसको ऐसी बुराइयों से बचाता है। लिहाजा नतीजा उत्पन्न क्या होता है कि इंसान के अंदर बहुत सी खूबियां पैदा हो जाती। अब आप देखिए कि इंसान को किस किस चीज से हया करना चाहिए। पहली चीज यह है कि इंसान को अल्लाह ताला से हया करना चाहिए, अल्लाह ताला से शर्माना चाहिए। वो किस तरह? जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह से हया करो जैसा हया करने का हक है। तो लोगों ने कहा कि हम सब तो करते हैं, पर मैं ये नहीं, अल्लाह से हया करना ये है कि इंसान अपने सर और जो कुछ उसके अंदर है और अपने पेट और जो कुछ उसके अंदर है उसकी हिफाजत करे। सर के अंदर क्या है? दिमाग है, ख्यालात हैं। पेट के अंदर क्या है? खाना पीना और शर्मगाह है, और इंसान के सीने में उसका दिल है। तो गोया दिल में जो ख्यालात आते हैं, पेट में जो लुकमा लेके जाता है, और इंसान के जो इज़दवाजी ताल्लुकात हैं या इंसान के जो मर्द और औरत के ताल्लुकात हैं, उनके अंदर भी एक हया हो, और ये हया अल्लाह ताला से हो। अब हम क्या सोच रहे हैं, सिर्फ आप क्या सोच रहे हैं बैठ के? कोई नहीं जानता। कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है। हमारे दिल में क्या क्या ख्वाहिशात है, कैसे कैसे ख्यालात हैं, उसमें ईमान की हरारत है या निफाक का अंधेरा है, उसमें किसी के लिए हसद है या हक़द है या गिल है या नफरत है, बुग्स है, किसी को नहीं पता, अल्लाह को पता है। अब हम अपने दिल में ये चीजें ना रखें, ये कैसे मुमकिन है? कब ये हो सकता है? सिर्फ उस वक्त जब हम अल्लाह से हया करते हैं। देखिए कि जब किसी ने आना होता है तो हर चीज साफ करते हैं ना, घर साफ करते हैं ना, हम हर गंदी चीज को या ढांक देते हैं या साफ कर देते हैं या छुपा देते हैं, उसे कपड़ा डाल देते हैं। क्यों? कि मेहमान आ रहे हैं, फुलां आ रहा है, वो क्या कहेगा, क्या इन्होंने घर को कपड़ खाना बना रखा है। और जब कोई जितना स्पेशल आता है उसके लिए हम उतना स्पेशल प्रिपेयर करते हैं उसको, कि वो देखेगा तो क्या कहेगा। बंदे मोमिन बंदों से ज्यादा अपने रब के बारे में सोचता है कि मेरा रब मेरा दिल देखता है, मेरी सोचों से वाकिफ है, मैं क्या कर रहा हूं तन्हाई में,
लोगों से छुपाकर, किसी को नहीं पता, उसको पता है।